एंड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। युवा चौरसिया समाज सेवा ट्रस्ट द्वारा 8वां युवा महासम्मेलन सम्मान व सामूहिक विवाह का आयोजन कटरा रामलीला कमेटी में किया जा रहा है। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए महासचिव विकास चौरसिया ने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि कैलाश नाथ चौरसिया, महामंडलेश्वर कल्याणी, नंदगिरी किन्नर अखाड़ा, जगत नारायण चौरसिया व दीपक चौरसिया अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही बताया कि महासम्मेलन में चौरसिया समाज की उन्नति, तरक्की, बच्चों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दों के साथ साथ अग्रिम योजना पर भी विचार किया जाता है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सामूहिक विवाह में वर वधु के नव जीवन की शुरुआत में उपयोग आने वाली आवश्यक सामग्री दी जाती है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए कार्यक्रम में आने वाले व्यक्तियों का आयोजन कमेटी द्वारा सभी नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। महासम्मेलन रविवार 4 अप्रैल को कटरा रामलीला कमेटी प्रांगण में होगा, जिसमें सामूहिक विवाह, रक्तदान और सम्मान समारोह भी आयोजन किया गया है। हाँ, ये सामूहिक विवाह का क्या कार्यक्रम है, कौन मुख्य अतिथि है और किस तरीके का रक्तदान लगाया जा रहा है, क्या कुछ विशेष है इस बार? जी, विशेष तो यही कहना चाहेंगे कि चौरसिया समाज की तरफ से पिछले 7 वर्षों से निरंतर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारा 8वां वर्ष है। 2 जोड़ों का विवाह हम इस बार सम्पन्न करा रहे हैं और प्रयागराज IG मिस्टर KP सिंह जी का एक पुलिस मित्र परिवार के नाम से रक्तदान शिविर चलता है। उन्हीं के साथ में मिलकर के इस बार हम लोगों ने यहाँ पे प्रथम बार सामाजिक कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है, जिसमें लगभग 20 से 25 हमारे पदाधिकारी रक्तदान देने के लिए तैयार हैं, जिनका नाम हमारे पास सूचित किया गया है, हमारे पास लिखित है। और उसके बाद समाज में जो भी हमारे लोग आ रहे हैं, जो हमारे मेहमान कह दिया जाए, उनमें कौन से लोग देने आ रहे हैं, हमारे 50 यूनिट आने वाला है, 100 यूनिट आने वाला है, इसके बारे में हम कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बेहतर प्रयास हम कर रहे हैं और इसका बेहतर परिणाम भी आएगा। पूछने वाला है इसमें किस तरीके से एहतियात किया जाएगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि लगातार ये समस्याएं बनी हुई हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं। लेकिन इसी को देखते हुए, जैसा मैंने पहले ही बताया, हमारे कार्यक्रम में विगत वर्षों लगातार हमारे बाहर से, पूरे देश से पदाधिकारी आते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने बाहर के अपने किसी भी पदाधिकारी को आमंत्रित नहीं किया है। हम सिर्फ लोकल इलाहाबाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। और रही बात कि कोरोना को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो काफ़ी बड़ा ये प्रांगण है, रामवाटिका प्रांगण, जिसकी क्षमता की बात किया जाए तो 2000 लोग भी आराम से आ सकते हैं, 3000 लोग आराम से आ सकते हैं। उस जगह पे हम सिर्फ 200 लोगों के आसपास का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यानी प्रयास ये है कि कम से कम लोग हों और कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया जाए। उद्देश्य की बात किया जाए तो उद्देश्य ये है कि जो हम गरीब बच्चों के विवाह संपन्न करा रहे हैं लगातार, वो कड़ी लगातार चलती रहे, वो कड़ी रुके ना, समाज में जो एक कार्यक्रम का एक लगातार बना हुआ है वो बना रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।